और ये आज की सच्चाई है। बड़े से बड़ा नशेड़ी भी स्वयं को शिव का भक्त घोषित करता है। मैं फिर इस व्यासपीठ से कहूंगा जिम्मेदारी के साथ, तुम में से कोई व्यक्ति कोई ग्रंथ लाकर मुझे दिखा दे जिसमें लिखा हो कि शिव ने भांग पी। एक ग्रंथ लाके मुझे दिखा दो। सारी गंदगी शिव के माथे पर डाली जाती है। मजे की बात कहूं, अच्छा शिव का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा? शिव पुराण। कितने श्लोक? 24,000 श्लोक। इन 24,000 श्लोकों में भांग शब्द ही नहीं आया। पिछले 3 सालों से लगातार शिव पुराण की सेवा कर रहा हूं, भांग शब्द ही नहीं आया। चढ़ाना भी छोड़ो, पीना तो बहुत दूर की बात। तुम्हें कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा जहां लिखा हो शिव भांग पीते हो। लाना दिखाना। हमें भजन भी वही पसंद आते हैं जिसमें शिव को नशेड़ी दिखाया जाता। जबकि स्कंद पुराण का एक श्लोक है, उसमें एक बड़ी सुंदर बात आई, कहां मदिरा की गंध और कहां शिव की भक्ति। और तो और शिव पुराण में शिव स्वयं कहते हैं, मेरे भक्त को 3 चीजें छोड़ देनी चाहिए। पहला मद्य, श्लोक कह रहा हूं साथ में, मद्यस्य मद्यगंधस्य नैवेद्यस्य च वर्जनम। शिव ने पहली चीज क्या कही? मद्य छोड़े। दूसरा मद्यगंधस्य, मद्य की गंध भी छोड़े। और हम लोग भांग रगड़ रगड़ के कहते हैं भोले की फौज करेगी मौज। ये भोले की फौज नहीं है, ये वो पाप हैं जो हम शिव का पर्दा डालकर ढक रहे हैं। बस तुम क्या खाते हो मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम क्या पीते हो क्या फूंकते हो हमको कोई लेना देना नहीं। शिव को बीच में मत लाओ, बस शिव बनने चले, पूरे बनो। विष भी पियो, सांप भी लटकाओ, धतूरा भी। भैया शिव को तो धतूरा भी चढ़, धतूरा तो कोई नहीं खाता क्योंकि गर्म हो वे। बिल्व पत्र कोई नहीं खाता, दुर्वा कोई नहीं खाता भांग। मैं तुम्हारे कोई निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहा मेरे श्रोता बंधुओं, वर्तमान में शिव का नाश करने में हिंदुओं का ही सबसे बड़ा योगदान है।